तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं प्लेइंग 11 लेकर मैच नंबर 47। अब आईपीएल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, शानदार मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है आईपीएल की, अब जो दौर है वो दौर है किसी टीम के पिछड़ने का और किसी टीम के आगे बढ़ने का। हो सकता है कि यहाँ पर अगर टीमों ने गलती कर दी तो टीमें पिछड़ जाएंगी, इसलिए अब टीमों को बहुत सोच समझ कर अपना फैसले लेने पड़ेंगे और जो गलतियाँ हैं उनको दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं राजस्थान की बताऊँगा, राजस्थान ने कुछ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को दूर करना पड़ेगा राजस्थान को। जो कॉम्बिनेशन, एक विनिंग कॉम्बिनेशन राजस्थान का बन रहा था, उस विनिंग कॉम्बिनेशन को दोबारा से लाना पड़ेगा। वो गलतियां क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टेबल बता देता हूं, उसके बाद में फटाफट आप लोगों को टीम बताऊंगा। लेकिन पॉइंट टेबल में 9 मैच है, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं। ये प्लस पॉइंट क्या है राजस्थान के साथ कि 12 पॉइंट्स हैं। तो 12 पॉइंट्स मतलब 9, आपको अभी 5 मुकाबले और खेलने हैं, क्योंकि 14 मुकाबले सभी टीमों को खेलने पड़ेंगे लीग मुकाबलों में। तो 5 में से आप अगर 3 भी जीत गए तो आपके लिए बल्ले बल्ले आपका मामला मतलब सेटल हो जाएगा, आप जा सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन क्वालिफाई करने के गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। और गलतियां क्या है, राजस्थान कुछ गलतियां कर रहा है। सबसे पहले देखिए, पुरानी टीम बता देता हूं, पिछले मुकाबले में जो खेली थी मुंबई के खिलाफ और जो हार मिली थी, एक टीम राजस्थान की जो लगातार 200 रन 180 90 रन बनाती जा रही थी, वो एकदम मतलब निचले पायदान पर आ गई, एकदम ऐसा लगने लगा कि द्वयम दर्जे की टीम है। गलतियां की, क्या गलतियां की मैं आपको बताता हूं। देखिए, पिछले मुकाबले में बटलर थे, पर्टिकल थे, सैमसन थे, मिचल थे, हेटमार, रियान पराग, अश्विन, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, कुलदीप सेन, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब क्या करना चाहिए राजस्थान को, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बटलर तो यहां पर रहेंगे, बटलर तो यहां पर रहेंगे, लेकिन बटलर के साथ में पडिकल को बेहतर करना पड़ेगा, पडिकल को, क्योंकि अब ये सिचुएशन है, अब पडिकल को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पर। क्योंकि अगर बटलर किसी मुकाबले में नहीं चले, वैसे तो हर मुकाबले में बटलर रन बना रहे हैं, अगर नहीं चले तो क्या होगा, तो पडिकल को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बेहतर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। संजू सैमसन तो यहाँ पर हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ना, बहुत बड़ा एक इन्होंने मिस्टेक कर दिया, डेल मिचेल को ये खिला रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता डेल मिचेल को खिलाना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ है। आप अगर गेंदबाज को खिला सकते हैं तो बेहतर है, आप बल्लेबाज को खिलाएंगे तो आप किसी इंडियन को मौका दे सकते हैं। इनके पास शुभम गढ़वाल बैठे हुए बेंच स्टैंड पर, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत धुआंधार खिलाड़ी हैं, तो आप उस खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं। क्योंकि मिचेल को बल्लेबाजी में काम करने रहे हैं, एक ओवर दिया, एक ओवर में 20 रन दे दिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके किस काम का है मिचेल, ना बल्लेबाजी में काम का है ना गेंदबाजी में काम का है, एक ओवर में 20 रन लुटा दिए, अंदाजा लगाइए। अगर कोई खिलाड़ी आपके पास ऐसा है जो इतने महंगा साबित हो सकता है तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट है। बस मैं चाहता हूं कि यहां पर आप एक बदलाव कर दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सैमसन के साथ के बाद ऊपर आप हेटमार को भेजिए। देखिए, हेटमार, मैं क्यों बोल रहा हूँ हेटमार को भेजिए, क्योंकि हेटमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त इन फॉर्म है, बहुत बढ़िया रन बना रहे हैं, लगातार शानदार चौके छक्के लगा रहे हैं, टीमों को अपनी टीम को जिता रहे हैं। तो हेटमार को जितनी ज़्यादा आप गेंदे खेलने को मिलेंगी उतना बेहतर होगा, उतनी टीम ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, ज़्यादा आक्रामक होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हेटमार को नंबर 4 पर रखिएगा। उसके बाद में शुभम गढ़वाल यहाँ पर आ जाते हैं, शुभम गढ़वाल मैं चाहता हूँ कि उनको मौका मिल जाए, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। और देखिए, एक इनके पास और कमी है, रियान पराग के रूप में। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं कि जब आपकी बल्लेबाजी जिस मैच में चल रही है बहुत बढ़िया, अगर कोलैप्स कर गई तो क्या होगा। तो देखिए, यहां पर इनके पास बहुत बढ़िया खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है, यशस्वी जायसवाल, मैं चाहता हूं कि इस खिलाड़ी को मौका मिल जाए। यार, इस खिलाड़ी को बेंच पर मत बैठाइए, ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है, बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करता है। आईपीएल 2022 इस खिलाड़ी के लिए पूरी तरीके से बेकार गया है। शुरुआत में एक दो मैचेस में मौका जरूर मिला था, लेकिन उसके बावजूद इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया, जिसको हम समझ रहे थे यशस्वी जायसवाल को कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ओपनर के तौर पर, वो फर्स्ट की जगह सेकेंड प्रायोरिटी हो गया। तो यहाँ पर राजस्थान थोड़ी सी गलती कर रहा है, ये गलती राजस्थान को सुधारनी चाहिए। तो मामला सारा फिट हो जाएगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अगर टीम में आ जाए तो आप यशस्वी जायसवाल को ऊपर भी खिला सकते हैं, वो ऊपर खेले हैं राजस्थान के लिए।
ये गलती राजस्थान को सुधारनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल को रियान पराग की जगह मौका मिलना चाहिए टीम में, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है राजस्थान के लिए। उसके बाद में देखिए अश्विन तो लगातार बेहतर काम कर ही रहे हैं, पिछले मुकाबले में तो बल्लेबाजी से भी तेज तर्रार शॉट लगाए थे और गेंदबाजी से तो कई मैच अपने दम पर जिताए हैं, तो अश्विन तो कमाल का काम कर ही रहे हैं। बॉल्ट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा जितनी गेंदबाज की तारीफ की जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से बॉल्ट से ज़्यादा बेहतर काम मैं मानता हूँ आईपीएल 2022 में प्रसिद्ध कृष्णा ने किया है, बहुत शानदार काम। बॉल्ट को पीछा, बॉल्ट को फीका साबित कर दिया राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्णा ने, ये बात मैं समझता हूँ। बॉल्ट से बेहतर गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत शानदार। यहाँ पर चहल और कुलदीप सेन, देखिए कुलदीप सेन ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, बहुत शानदार गेंदबाजी आईपीएल 2022 में जब से इनको मौका मिला है बहुत शानदार गेंदबाजी इन्होंने की है, लेकिन एक गलती राजस्थान को सुधारनी पड़ेगी। इस एक गलती से राजस्थान पर बहुत भारी ये गलती पड़ सकती है, इसलिए मैं मानता हूँ कि राजस्थान को यशस्वी जायसवाल को जितनी जल्दी हो सके मौका दे दीजिए। शुभम गढ़वाल को मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि महिपाल लोमरो जिस तरीके से राजस्थान में बल्लेबाजी करी है उसी श्रेणी के बल्लेबाज शुभम गढ़वाल भी हैं, बहुत धांसू बाद हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस खिलाड़ी को भी मौका मिले और राजस्थान की टीम इसको निचले क्रम पर खिला सकती है, बहुत शानदार खिलाड़ी है। तो मैं चाहता हूं देखिए ये बटलर पडिकल उसके बाद में संजू सैमसन, यहां पर अगर आप यशस्वी जायसवाल को मौका देते हैं तो आप हेटमायर की जगह जायसवाल को खिला सकते हैं, हेटमायर की जगह जायसवाल को खिला सकते हैं और जायसवाल की जगह यहां पर हेटमायर आ जाएंगे, यहाँ पर हैट मारा जाएगी। ये एक बेहतर बैटिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बहुत सॉलिड बैटिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इस बैटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ अगर राजस्थान खेलेगी बहुत बेहतर होगा, बहुत शानदार होगा, क्योंकि देखिए बटलर होगा, पार्टिकल, संजू सैमसन, जायसवाल, उसके बाद में यहाँ पर शुभम गढ़वाल, हैट मायर, अश्विन, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, कुलदीप सिंह, बहुत शानदार टीम, एक मजबूत टीम हो जाएगी। और देखिए अब लापरवाही नहीं चलेगी, अगर अब राजस्थान ने यहाँ पर आने के बाद, इस सिचुएशन में आने के बाद जब आप तीसरे नंबर पर हैं, तीसरे पायदान पर आप पॉइंट टेबल में बने हुए हैं, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा लूज हो गए, यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपको सेटबैक हो जाएगा, आप पीछे चले जाएंगे, टीमें आगे निकलती चली जाएंगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के साथ राजस्थान को आना चाहिए, मेरे हिसाब से ये टीम अगर रहेगी राजस्थान की तो ये टीम विनिंग टीम है और इस टीम के साथ राजस्थान को आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका राजस्थान की इस टीम को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि जायसवाल को मौका मिले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मिचल को बाहर निकाल दीजिए। अगर आप देखिए अगर आपको विदेशी खिलाड़ी रख रही है तो आप निशम को रख लीजिए, ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी करते हैं गेंदबाजी भी करते हैं। उसके बाद में आप मैकोय को रखिए, बहुत अच्छे गेंदबाज है, शानदार गेंदबाज है, आप उनको रखिए। भारतीय को रखना चाहते हैं तो शुभम गढ़वाल को रख लीजिए। तो यहां पर देखिए मिचल का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है, ना बल्लेबाजी में कुछ कर दे ना गेंदबाजी में कुछ कर दे, तो इनका यूजलेस खिलाड़ी है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मिचल की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दे दिया जाए, बहुत बेहतर होगा। निशम को दे दीजिए, मैकोय को दे दीजिए, शुभम गढ़वाल को दे दीजिए, आपके पास इतने सारे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल को मैं चाहता हूं कि रियान पराग की जगह मौका मिल जाए। तो यह एक मेरा प्रेडिक्शन है कि यह टीम होनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस टीम पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, हां बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए आपको हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।